हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस विद पूनम। आज हम क्लास सिक्स की बालराम कथा का चैप्टर नंबर 12 करेंगे, राम का राज्य अभिषेक। अपने प्रीवियस चैप्टर में हमने रीड आउट किया था कि राम ने लंका को विजय कर लिया था और उसके बाद विभीषण का राज्य अभिषेक कर दिया गया था। अब लंका के राजा रावण नहीं बल्कि विभीषण बन गए थे। आगे की घटनाओं को इस चैप्टर में हम कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रुक जाए, नई लंका में उनकी लंका में। नई लंका क्यों? क्योंकि अब पुरानी लंका जो है रावण की थी, अब ये जो नई लंका है वो विभीषण की है। इसीलिए उन्होंने कहा कि नई लंका में, विभीषण की लंका में राम कुछ दिन तक रुके। उन्होंने अपनी इच्छा राम को बताई और इसका कारण भी बताया। विभीषण ने ये भी बताया राम को कि वो क्यों चाहते हैं कि राम यहाँ पर रुके। तो वो बोले, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ कुछ दिन तक विश्राम कर लें, युद्ध की थकान उतर जाएगी। वैसे इसमें मेरा स्वार्थ भी है, आपका सानिध्य और रीति नीति सीखने का अवसर। सानिध्य मतलब साथ। विभीषण कहते हैं कि इसमें मेरा भी थोड़ा सा स्वार्थ है कि मुझे आपका साथ भी मिल जाएगा और आपकी रीति नीति सीखने का अवसर भी मिल जाएगा। आप इन्हें यह नगरी देखी भी तो नहीं है। राम ने लंका नगरी को नहीं देखा था, राम ने लंका नगरी में कदम भी नहीं रखा था। सीता से मिलने हनुमान गए दो बार, अंगद गए, लक्ष्मण भी हो आए। विभीषण के राजतिलक के समय राम उस नगरी से दूर ही रहे, मतलब राम उधर नहीं गए थे। वो जो है समुद्र किनारे से युद्ध लड़े और युद्ध के बाद भी वो वहीं पर रुक गए थे। यह संभव नहीं है मित्र, राम ने कहा। तो इस पर राम क्या कहते हैं कि ये तो संभव नहीं है, वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं, मैं तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूँ। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, जाने में विलंब हुआ तो वे प्राण दे देंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, भरत ने क्या प्रतिज्ञा की थी कि अगर राम को आने में जरा सी भी देरी हुई, विलंब मतलब देरी, तो वो अपने प्राण दे देंगे। मैं उनकी प्रतिज्ञा से बंधा हूँ। विभीषण राम से अलग नहीं होना चाहते थे, उनका अनुरोध राम ने अस्वीकार कर दिया था, पर वे निराश नहीं थे। इस बार उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा, मेरी इच्छा है कि मैं आपके राज्याभिषेक में उपस्थित रहूं, मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दें। राम ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया, बोले, आप मेरे लिए यात्रा की व्यवस्था कर दें। राम ने विभीषण की विनती मान ली तो सुग्रीव और हनुमान आगे आए। राम ने उन्हें भी अयोध्या आमंत्रित किया। विभीषण का पुष्पक विमान उन्हें ले जाने के लिए तैयार था। को क्या नाम था विभीषण के विमान का? पुष्पक विमान। विमान की उड़ान भरने तक वानर सेना वहीं रही। विमान जाने के बाद वे कूदते फांदते किष्किंधा की ओर चल पड़े। विभीषण ने अपने कोषागार मतलब जहां पर धन संपत्ति रखी जाती है, से उन्हें रत्नाभूषण दिए। उनकी वर्षा की उसी विमान से। वानरों के लिए यह मनोरंजन था, जिसे जो मिला लूटा। विमान लंका से चला, उड़ान भरने के बाद उसने उत्तर दिशा पकड़ी, जिधर अयोध्या नगरी थी। राम सीता के साथ बैठे थे, मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान बताते जा रहे थे। रावण सीता का हरण कर उसी मार्ग से लाया था, पंचवटी थी से। उस समय सीता ने वे स्थान ठीक से नहीं देखे थे, स्थानों के नाम उन्हें ज्ञात नहीं थे। पहले रणभूमि पड़ी, फिर वह पुल जिसे नल और नील ने बनाया था, सेतुबंध। पुल का क्या नाम था? सेतुबंध। किष्किंधा रास्ते में था, वानर राज सुग्रीव की राजधानी थी। सीता के आग्रह पर विमान किष्किंधा में उतरा, सुग्रीव की रानियों तारा और रूपा को लेने। आगे ऋष्यमुख पर्वत पड़ा, उसके बाद पंपा सरोवर, उसकी सुंदरता अद्भुत थी। राम ने सीता को एक पतली चमकती हुई रेखा दिखाई, सीते देखो यह गोदावरी नदी है, ऊंचाई से इतनी छोटी दिख रही है, इसी के तट पर पंचवटी है। देखो हमारी पर्णकुटी अभी भी बनी हुई है, पर्णकुटी मतलब पत्तों की कुटिया। सीता ने आंखें बंद कर ली, जैसे पंचवटी को पुनः देखने से डर रही थी। उन्हें पूरा घटनाक्रम याद आ गया था। कौन सा घटनाक्रम? जब रावण ने उनका अपहरण किया था, तो सीता जो है उन बातों को फिर से याद नहीं करना चाहती थी और इसीलिए वो इन चीज़ों को भी नहीं देखना चाहती थी और अपनी आँखें बंद कर ली। गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भारद्वाज का आश्रम था, विमान वहाँ उतरा, सब ने रात वहीं बिताई। ऋषि का आग्रह था, राम उसे टाल नहीं सके। वहीं से उन्होंने हनुमान को अयोध्या भेजा, भरत को उनके आगमन की पूर्व सूचना देने के लिए। राम सीधे अयोध्या नहीं जाना चाहते थे, उनके मन में एक प्रश्न था, एक संशय, मतलब उनको शक था कि 14 वर्ष की अवधि कम नहीं होती है, कहीं इस अवधि में भरत को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया है।
हनुमान को अयोध्या भेजते हुए उन्होंने यह प्रश्न रखा, कहा, हे वानर शिरोमणि, आप भरत को मेरे आने की सूचना दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा कि यह समाचार सुनकर उनके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं। यदि भरत को इस सूचना से प्रसन्नता नहीं हुई तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। भरत राजकाज संभाले, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हनुमान वायु वेग से चले जैसे उड़ रहे हों। मार्ग में निषाद राज गु से भेंट की, उनसे अयोध्या का हाल जाना। वहां से नंदीग्राम पहुंचे। उन्होंने भरत से कहा, श्री राम के वनवास की अवधि पूर्ण हो गई है, वे लौट रहे हैं, प्रयाग पहुंच चुके हैं। मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास आया हूं। भरत की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। अब देखिए, राम की जो शक था, राम का जो भी शक था वो ख़त्म हो गया था ना, कि कहीं भरत अप्रसन्न ना हो जाए, कहीं भरत को ये ना लगे कि भाई उनके राजकाज में आकर राम ने जो है विघ्न डाल दिया है। तो इस बात को सुनकर भरत खुश हुए, ठीक है। तो राम का जो संशय था, शक था, वो ख़त्म हो गया। आंखों में खुशी के आंसू थे। वे बार बार हनुमान को धन्यवाद दे रहे थे यह शुभ सूचना उन तक पहुंचाने के लिए। उनके चेहरे पर केवल एक भाव था, प्रसन्नता का भाव। हनुमान उनसे विदा लेकर आश्रम लौट गए राम के पास। अगली सुबह प्रयाग से श्रृंगवेरपुर होते हुए राम का विमान कुछ ही देर में सरयू नदी के ऊपर पहुंच गया। दूर अयोध्या नगरी के भवनों के शिखर दिखाई देने लगे। सबने अयोध्या को प्रणाम किया। उधर भरत से सूचना पाकर अयोध्या में उत्सव की तैयारियां होने लगी। नगर को सजाया गया। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की व्यवस्था में लग गए। महल से तीनों रानियाँ नंदीग्राम के लिए निकल पड़ी। कौशल्या सबसे आगे थी। उन्हें पता था कि राम सबसे पहले भरत से भेंट करेंगे। राम का विमान नंदीग्राम उतरा। उनका भव्य स्वागत हुआ। आकाश राम के जय घोष से गूंज उठा। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगाया, माताओं को प्रणाम किया। भरत भागते हुए आश्रम के भीतर गए। राम की खड़ाऊ उठा लाए, जिसे सिंहासन पर रखकर उन्होंने 14 वर्ष राजकाज चलाया था। झुककर अपने हाथों से राम को पहनाई। मिलन का यह दृश्य अद्भुत था। सबके चेहरों पर प्रसन्नता थी। सबकी आंखें खुशी के आंसुओं से नम थी। राम लक्ष्मण ने नंदीग्राम से तपस्वी बाना उतार दिया। दोनों को राजसी वस्त्र पहनाए गए। जन समूह राम के जय जयकार करता हुआ अयोध्या के लिए चला। शोभा यात्रा की छटा देखने योग्य थी। मतलब छटा मतलब सुंदरता, जो ये शोभा यात्रा थी उसकी सुंदरता देखने योग्य थी। नंदीग्राम के चलने के पूर्व राम ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया। यह विमान कुबेर का ही था। रावण ने उससे बलात् छीन लिया था। तो जो पुष्पक विमान था वो एक्चुअल में किसका था? कुबेर का था। रावण ने उससे छीन लिया था। सजी धजी अयोध्या नगरी राम के दर्शन पर आहादित थी। नगरवासी प्रसन्न थे। उन्हें उनके राम वापस मिल गए थे। माताएं प्रसन्न थीं। उनका पुत्र लौट आया था। मुनिगण खुश थे। राम ने उनकी शिक्षाओं का मान रखा। कभी विरत नहीं हुए, मतलब कभी विचलित नहीं हुए। वन में रहे पूरे 14 वर्ष तक। भरत ने अयोध्या का राज्य राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया था। राजमहल पहुंचे तो मुनि वशिष्ठ ने कहा, कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। इसकी तैयारियां शत्रुघ्न ने पहले ही कर रखी थी। पूरा नगर सजाया गया, दीपों से जगमगा रहा था, फूलों से सुवासित था, वाद्य यंत्रों से झंकृत था। पूरे 14 वर्ष के बाद अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राज्य तिलक किया। राम और सीता सोने के रतन जड़ित सिंहासन पर बैठे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। हनुमान नीचे बैठ गए। माताओं ने उनकी आरती उतारी। मंगलाचार हुआ, शुभ गीत गाए गए। राम ने सीता को एक बहुमूल्य हार दिया, परजननों को उपहार दिए, अनेक वस्तुएं प्रदान की। सीता ने अपने गले का हार उतारा। वे द्विधा में थी कि किसे दें। द्विधा राम ने दूर की, जिस पर तुम सर्वाधिक प्रसन्न हो उसे दे दो। सीता ने वह हार हनुमान को भेंट कर दिया, भक्ति और पराक्रम के लिए। कुछ दिनों में सारे अतिथि एक एक करके चले गए। विभीषण लंका लौटे। सुग्रीव ने किष्किंधा की ओर प्रयाण किया, मतलब चले गए। ऋषि मुनि अपने आश्रम चले गए। हनुमान कहीं नहीं गए, राम दरबार में ही रहे। राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया। उनके राज में किसी को कष्ट नहीं था, सभी सुखी थे, भेदभाव नहीं था, कोई बीमार नहीं था, खेत हरे भरे थे, पेड़ फलों से लदे रहते थे। राम न्यायप्रिय थे, गुणों के सागर थे।
उनका राज्य राम राज्य था और आज तक भी स्मृतियों में है, मतलब हमारी यादों में है। आज तक भी हम राम राज्य को याद करते हैं कि राम जैसा राज्य किसी ने नहीं किया। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर के साथ साथ सिक्स क्लास की बाल राम कथा भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये पूरी बुक अच्छे से क्लियर हो गई होगी। प्लीज़ टेल मी इन कॉमेंट सेक्शन। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं देन लाइक एंड शेयर देन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।